अभी बस आज जैसा कि आपको पता है मैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स की ड्रग बर्निंग सेरेमनी में आपसे मुखातिब हूं, जहां मैंने स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ लिए, आपके उनके व्यूज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और इसी तरह मैंने शोबिज़ के हवाले से भी अपने भाई शेरानी से बात की, और हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो कम अज़ कम कौन नहीं जानता सलमान खान हमारे मीडिया के साथी हैं। तो हम आज यही कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों के व्यूज़ ले लें, और माशाल्लाह पिछले कोई 4-5 साल 6 साल से ANF के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और क्यों ना हो, माशाल्लाह हेल्थ और सेहत के हिसाब से पता लगता है कि सलमान खान एक यंग बॉय हैं और इनको एम्बेसडर बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है कि ये मीडिया में भी हैं, शोबिज में भी हैं, तो लोगों तक मैसेज कन्वे करते हैं। आइए आज ज़रा इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बाबा जी। सलमान भाई, आप और मैं तो माशाल्लाह बड़े अरसे से हम लोग ये तकरीब अटेंड कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से, मंशात रोकने के हवाले से, पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से? सबसे पहले तो बाबा जी मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग यहां पर आए हैं और इसको कवर कर रहे हैं, इस इवेंट को। सालाना ये इवेंट होता है, ड्रग बर्निंग सेरेमनी होती है और तमाम सूबों में होती है। आज इसी तरीके से हमारी जो नॉर्थ रीजन है इसका आज ये इवेंट है, और आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो भी ऑन बोर्ड लिए गए हैं, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, ओलंपियंस हैं, क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े जो हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बाकी जो आपने बात की नशे के हवाले से, तो जी एक लानत है ये एक नशा, और हमारे तो यही मोटिव है कि से नो टू ड्रग, और जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। इस माशरे की अक्कासी हर वो इंसान करता है जो इस माशरे का हिस्सा है, वो मर्द है, वो औरत है, वो बच्चा है, तो इस लानत से हमें बचना है और हर मुमकिन कोशिश करनी है कि इससे बचा जाए, ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस ना हुआ जाए कि जहाँ पर ये ऐसी जो नशे जैसी लानत है वो जो है कहने में वहाँ पर चलती हो। अच्छा सलमान भाई, आप पब्लिक को ये भी तो अपने बड़े भाई का कह सकते हैं कि ये बाबा देखें जी इतनी एज हो गई है, शराब नहीं पीता, चरस नहीं पीता, और ये पल्स और क्या क्या होते हैं गंदी मंदी चीज़ें, इनसे दूर रहता है तो फिट रहता है, जैसे आप माशाल्लाह खुद सुपर फिट हैं, तो कुछ मैसेज? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, 100% आपने दुरुस्त फरमाया कि देखें कहने में जो अच्छी सेहत है ना वही अच्छे इंसान का किरदार है। जैसे आप हैं माशाल्लाह 50+ अभी आप हो गए हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको नज़र बस से बचाए, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, ऐसे ही आप जैसे हज़ारों लोग हैं जिन्होंने अपने आप को फिटनेस में रखा हुआ है और सुबह वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, बैड एक्टिविटी से बचते हैं, और जिसकी वजह से वो अपनी कामयाब लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। तो मेरा हर एक के लिए यही मैसेज है, वो बड़े वो छोटा है या बड़ा है, कि वो इस बैड एक्टिविटी से बचे और अपनी लाइफ को, क्योंकि अल्लाह की दी हुई एक नेमत है, और इसको बड़े अच्छे तरीके से स्पेंड करें और खुशहाल लाइफ गुजारें अपनी फैमिली के साथ। अच्छा सलमान भाई, आखिरी सवाल आपसे करेंगे एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले से, ये इदारा इतनी स्ट्रगल कर रहा है, इतनी मंशात पकड़ रहा है, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं एंटी नारकोटिक्स को फ्यूचर में भी, कि इस पर ये कंट्रोल पाते जाएंगे, इस लानत को ख़त्म कर देंगे, या इसके लिए किसी और भी हेल्प की ज़रूरत है लोगों की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से? इदारे का आपने सवाल किया बाबा जी, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने रेज़ किया। ये इदारा बहुत स्ट्रांग है, लोग बहुत अच्छे हैं और बड़े विल हैं अपनी कहने में जॉब के साथ, लेकिन ये कि इसमें इनकी जो तादाद है वो कम है। मैंने लास्ट ईयर भी जब जनरल साहब का इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे यही क्वेश्चन रेज़ किया था कि इसमें जो है ना तादाद को बढ़ाना चाहिए, बिकॉज़ कि एक हमारा बॉर्डर एरिया बहुत बड़ा एरिया है, फिर उसके बाद हमारे जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो भी मतलब एक अच्छी खासी तादाद में हैं, जबकि हमारे जो एम्प्लॉज़ हैं ANF के इनकी तादाद जो है वो कम है। तो वो अगर उनको करने में थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको ये इनिशिएटिव ले लेती है कि इनकी तादाद बढ़ाई जाए, तो इंशाल्लाह जी हर लिहाज से जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो इससे डबल करेंगे इंशाल्लाह जो है, और जितना भी इस बुराई का कला कमा होगा वो ये करेंगे और कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी सलमान भाई, बड़ी प्यारी बात सलमान भाई ने की, और हम हर साल, मैं और सलमान भाई तो हर साल इस तकरीब को अटेंड करते हैं, और हम यही देखते हैं कि बड़े महदूद वसाइल और बहुत थोड़े से स्टाफ के साथ ये लोग पूरे पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ करते हैं। अभी ड्रग बर्निंग जो है ये इस साल में ये इकट्ठी की उन्होंने, पकड़ी मुख्तलिफ जगहों से, उसकी बर्निंग सेरेमनी भी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे, और मैं भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सलमान भाई के साथ हम मीडिया के लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही होती है कि ये एक अच्छा काज है और एक अच्छी फोर्स है और नेक नामी और शोहरत कमा रही है, इज़्ज़त कमा रही है, और अपने काम के साथ ये 100% इतने रेलेवेंट हैं, इतने कमिटेड हैं कि ये एक ज़रा सा भी किसी का लिहाज नहीं करते, कोई बड़ा है कोई छोटा है, जो भी इस गलत काम के अंदर मुलव्वस पाया जाता है उसे पकड़ते हैं, ये मंशियात को तलफ करते हैं, ये जो ड्रग बर्निंग सेरेमनी होती है। तो हम भी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे जी कि इनको ज़्यादा
से ज़्यादा फोर्सेज प्रोवाइड की जाए, इनका स्टाफ बढ़ाया जाए ताकि ये और एक्टिव होकर जल्द से जल्द पाकिस्तान से इस गलाजत को, इस गंदगी को, इस मुसीबत को, मंशियात को ख़त्म करें। देखते रहें अब बोल टीवी ऑफिशियल।